रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम तो मेरे समस्त हिंदूवादी व्यक्तियों को, समस्त हिंदू प्रेमियों को और हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त हिंदू भाइयों को रामनवमी के पावन पर्व की अनंत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज समाज को एक करने की बात आती है तो हिंदू समाज अपनी भूमिका अग्रसर पंक्ति में दिखाता है। साथियों, हिंदव सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता की भावना को लेकर आज इस देहलावास बालाजी से सांगानेर की पावन धरा पर जो भगवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, मैं समस्त आयोजन समिति को शुभकामनाएं देता हूं एवं समस्त मेरे युवा साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे हिंदुत्व को एक करने की बात आई है और आज जब जैसे जैसे हिंदू एक होता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार और दूसरे देशों को भी हमारे देश का एकता का संदेश देखने को मिल रहा है। साथियों, हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। अलग अलग समाज के लोग, जैसे जाट महाकुंभ हुआ, ब्राह्मण महापंचायत हुई, अब केसरिया महापंचायत होने वाली, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि एक पूरे परिवार को एक करने के लिए पहले परिवार के बच्चों को एक करना पड़ता है, फिर परिवार के रिश्तेदारों को एक करना पड़ता है, फिर बुजुर्गों को एक करना पड़ता है और फिर उसमें जाके पूरे परिवार को एक करना होता है। उसी प्रकार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जब हिंदुत्व को एक करने की बात आती है तो ब्राह्मणों ने एक हुए। मैं भी प्रसेना का प्रदेश रखता हूँ, अभी ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हमारे द्वारा किया गया, 10 लाख की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए। अब राजपूतों द्वारा अपने केसरिया महापंचायत का हो रहा है, इसमें सब राजपूत एक हो रहे हैं। उसके बाद 16 तारीख को जोगियों की महापंचायत हो रही है, उसके अंदर समस्त जोगी समाज एक होगा एवं अनेकों, आपने देखा जाट महाकुंभ में जाटों ने अपनी एकता दिखाई। साथियों, एक एक अपन बोलते हैं कि प्रत्येक शाखा जो समाज की है, ये शाखाएं हैं, विभिन्न जातियां ये शाखाएं हैं, ये सब पहले एक होंगी तभी समस्त हिंदू समाज एक होगा। इन सबको एक करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदुत्व ही धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। शोभा यात्रा में पुलिस द्वारा आप लोगों को डीजे बजाने नहीं दिया जा रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो एक संदेश देना चाहते हैं हमारे पुलिस प्रशासन के समस्त भाइयों को। वैसे तो हमेशा प्रशासन हमारा सबका साथ देता आया है और देता रहेगा, लेकिन अगर प्रशासन किसी हमारी होने वाली ऊंच चूक जो हरकतें हैं, जो कि क्योंकि देखो साहब, हम तो बजरंगी हैं, हम तो बानर हैं, हम तो ऐसे ही हल्ला करते और कूदते फांदते जाएंगे। आप डीजे बजाने दो तो अच्छा, और नहीं बजाने दो तो हमारी तालियों की गड़गड़ाहट, हमारे नारों की आवाज से भी आपने हाथ से अच्छे डीजे बंद हो जाते हैं और हमारी आवाज, हमारी हुंकार जय श्री राम के जयकार रखती है। बोलो जय जय श्री राम। धन्यवाद। रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? रामनवमी के उपलक्ष्य पे जनता को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह इससे भी जोर जोर से रामनवमी मने। जो आज देखने को मिल रही है लोगों में, इतना उत्साह पूरे जयपुर शहर, क्या पूरे भारत भर में इतना उत्साह है कि क्या नाम से आने वाले समय राममय होगा। सनातन धर्म अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब रामराज्य आता है तो ऑटोमेटिक ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, और ये शुरू किया है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी से हट के भी, मतलब क्या नाम से, इसको सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जल्द ही राम अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है विशाल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कई सालों से अटका हुआ था मामला, फिर भी मोदी जी ने, मतलब ये वोटों की राजनीति चल रही थी, मोदी जी को आने के बाद उनको लगा कि वास्तव में हिंदुओं की बननी चाहिए, कम से कम सबसे बड़ा राम ही तो है, उसी के ऊपर ही मंदिर नहीं बने तो कम से वो तो क्या हो सकता है। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता। शंकर शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 103, नगर निगम ग्रेटर एवं चेयरमैन। धन्यवाद। रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? आज रामनवमी के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा जो प्रताप नगर से सांगानेर के जो हनुमान मंदिर है वहाँ तक जाएगी। हम एक संदेश देना चाहते हैं, हम शांति का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हमारी शांति के बीच में पुलिस प्रशासन अभी भी अशांति बनी हुई है। यदि रामगंज में देखा जाता है तो डीजे बजेगा,
सब काम हो, लेकिन यहाँ अभी भी पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है कि आपके डीजे को जब्त कर दिया जाएगा। हम आपके माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि शांति से प्रभु का नाम लिया जाता है, उसमें डीजे बजे, ढोल बजे, मंजीरा बजे, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर शांति से, यदि हम लोग अशांति पे आते हैं ना, तो उसके बाद अगर देखते हैं कि हमारे डीजे को जब्त करते हो नहीं करते हो, शांति से शोभा यात्रा निकलती है, खुला रोड है, उस पर भगवान का नाम लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।